अस्सलाम वालेकुम सुन रहे हैं, व्हाट्स अप एवरीवन, अमेजिंग डे। अ लॉट ऑफ यू बीन थिंकिंग हाउ टू गेट अवे फ्रॉम लिसनिंग सॉन्ग्स म्यूजिक दैट इज हराम इन इस्लाम। सो व्हाट आई डिड एंड व्हाट यू आल्सो शुड डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक एन इंटेंशन दैट आई विल नॉट गोना लिसन सॉन्ग। एनीबडी फोर्सेस मी, anybody attracts me towards music, I will not gonna listen. Secondly, अगर कोई YouTube shorts देख रहे हैं, कोई reel देख रहे हैं, कोई YouTube video देख रहे हैं, तो अगर कोई reel या shorts में song आ जाता है तो आप device को mute कर दें, जैसे मैं करता हूँ। या और अगर कोई बंदा बात कर रहा है उसके background music चल रहा है तो वो video नहीं देखें। Important है जो भी है नहीं देखें, क्योंकि music हमें नहीं सुनना है। तीसरी चीज़ है कि उन व्लॉगर्स को ज़्यादातर देखें जो कि अपनी वीडियोस में नशीद यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अब्दुल मालिक फरीद हो गए, अली एहतिशाम भाई हो गए, दाऊद सैविज हो गए, वो भी एक मुस्लिम एंटरटेनर्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज़ मुस्लिम नशीद्स इन देयर बैकग्राउंड। यू शुड वॉच देयर कॉन्टेंट। और अगर आप किसी और का कॉन्टेंट देख रहे हैं जिसकी आपको वीडियो देखनी है और नॉर्मल उनकी व्लॉग्स में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता, और बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर होता है तो कोई कुछ स्पेसिफिक सीन्स में होता है, तो आप क्या करें, उन स्पेसिफिक सीन्स को म्यूट करें और पूरी वीडियो को वॉच करें। जैसे इरफान जोजो की वगैरह की मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं पूरी वीडियो को म्यूट करता हूँ, जो जो पार्ट में सॉन्ग नहीं होता वो पार्ट में वॉच करता हूँ, बाकी पार्ट में म्यूट कर लेता हूँ। और अगर इसके अलावा अगर आपको टीवी वॉच कर रहे हैं तो टीवी में वो म्यूट कर दें। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और गाना चल रहा है और आपको बैठना पड़े, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं वहाँ पर आप खाना खा रहे हैं या आपको कुछ टेक अवे लेना है और वहाँ पर आप बैठे हैं और आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई दे रहा है, तो आप अस्तफरल्लाह का वर्ड करते हैं, अस्तफरल्लाह अस्तफरल्लाह अस्तफरल्लाह, और दिमाग में ना वो गाने की तरफ अपना दिमाग को और अपनी सोल को रुजू नहीं करें। आप फोकस कुछ भी किसी और चीज़ पर फोकस करें और फोकस करें अस्तफरल्लाह पढ़ने में। मैं भी ये करता हूँ कि मैं बाहर जाता हूँ तो कहीं गाना चल रहा होता है, किसी फंक्शन में अगर मैं गया वहाँ पर गाना चल रहा होता है, बाहर फंक्शन में तो ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ, लेकिन वैसे अगर किसी रेस्टोरेंट में गया तो मैं अस्तफरल्लाह 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 का वर्ड करते रहता हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप दैट यू कैन do and that can take away you from listening the songs. Songs ke alternative aap sun sakte hain Quran recitations, that is the best way, best melody, aur nasheed sun sakte hain aur naat sun sakte hain, aaram se aap sunen naat wagera. aur Spotify pe agar aap jayenge Umar Aftab Duniya meri ID search karenge ya fir main koi bhi laga deta hu to Yo Sanud Army agar aap search karenge Spotify mein to ek playlist aayegi, वो मेरी क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, उसमें सारी मेरी नशीदें जो मैं सुनता हूँ और जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक नशीदें हैं। तो आप जाएं सुने और गानों से बचें।